हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही आसान तरीके से स्ट्रेट पैंट बनाना, और इसकी मोहरी में भी डिज़ाइन बनाऊंगी मैं, और मेजरमेंट रहेगा ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो चलिए इसकी कटिंग वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। और कपड़ा लिया है मैंने इसके लिए 2 मीटर। तो बंद साइड रखी है मैंने इसकी दूसरी तरफ, और खुली साइड रखी है इस कपड़े की मेरी तरफ। तो ये 2 फोल्ड करके बिछा लिया है मैंने इस कपड़े को। अब सबसे पहले लगाना है हमें नीचे निशान फोल्ड करने के लिए। तो वैसे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी इसमें नीचे, अगर आपको वो डिज़ाइन नहीं बनाना है तो इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लेना है नीचे। और अब लगाना है हमें यहाँ पे लेंथ का निशान। तो लेंथ है हमारी पैंट की 33 इंच लेंथ है बिल्कुल तैयार। सो इसमें से करना है हमें 2 इंच कम, 1.5 इंच की रहेगी हमारी बेल्ट, और 1/2 इंच लेना है हमें मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे लगाना है हमें 32 इंच पे लगाना है, 1/2 इंच आएगा हमारा मार्जिन में, तो 1.5 इंच की बेल्ट लगेगी तो 33 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से निशान लगा लेना है, 32 इंच पे लगाना है बेल्ट को हटाने के बाद। तो इस निशान को भी सीधा कर लेना है, और 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ, ये हमारा मार्जिन के लिए 1/2 इंच। तो मान लीजिए जैसे कि हमारी इस पैंट की 36 इंच हमारी टोटल फिटिंग है, तो उसका हमें चौथा भाग करना है। तो आया हमारा 9 इंच, तो यहाँ पे 9 इंच लगाना है एंड 1 इंच और लेना है यहाँ पे। ऐसे ही लगाना है हमें यहाँ पे आसन का निशान भी हमें इसी तरह से लगाना है। 36 इंच का चौथा भाग लेना है हमारे 9 इंच, और 2 इंच यहाँ पे हमें और लेना है एक्स्ट्रा। तो 9 और 2 हो गया, हमें यहाँ पे लगाना है 11 इंच। कोई भी आपको मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना होता है। तो 2 इंच लगाया है मैंने यहाँ पे क्रोच एरिया के लिए। तो यहाँ पे कर देनी है गुलाई। तो अब हमें यहाँ पे एक ये सीधी लाइन खींचनी है इस तरह से। अब इस लाइन को नापना है ये कितनी इंच की लाइन है हमारी। अब इसका हमें बीच में बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाना है। अब सेंटर वाला जो निशान है और वहाँ लास्ट तक नापना है ये कितना इंच हमारे निशान है, उस इतना ही बिल्कुल हमें यहाँ पर नीचे लगा देना है जहाँ पर हमारी लगती है मोहरी की गुलाई। एंड जो हमने बीच में निशान लगाया है 3 इंच के मैं इधर लगा रही हूँ इसके निशान, और 3 इंच का दूसरी तरफ लगा रही हूँ, 3 साढ़े 3 इंच। तो हमें 6 इंच इसकी मोहरी की गुलाई रखनी है। अब यहाँ पे मैंने ये स्केल लिया है, इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है और गुलाई कर देनी है। अब देन ये घुमा के दूसरी साइड रखना है, यहाँ पे भी इस तरह से गुलाई कर देनी है। तो ये हमारी फ्रंट पैंट की मार्किंग हो चुकी है, अब इसको कटिंग कर लेना है। अब मैंने बैक पार्ट कटिंग करने के लिए दूसरा कपड़ा बिछा लिया है। देन इसकी भी खुली साइड अपनी तरफ रखी है मैंने, और बंद साइड दूसरी तरफ रखी है। अब ये जो हमने फ्रंट पैनल कट किए थे इसको इसके ऊपर रख देना है अच्छे से सेट करके। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा क्रोच एरिया का लास्ट हो रहा था, यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है एक बिल्कुल ऊपर तक। तो इस तरह से मैंने लाइन खींच दी, और एक यहाँ पे सीधा करना है क्रोच एरिया के लिए। अब यहाँ पे लगा रही हूँ मैं 2.5 इंच का निशान, अगर आपकी फिटिंग बहुत ज़्यादा है तो 3 इंच भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी गुलाई कर देनी है, और 2 इंच लगाना है हमें यहाँ पे बीच में पैंट के, 1 इंच लगाना है नीचे सबसे। तो यहाँ पे भी इसकी इस स्केल की हेल्प से यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो बैक पार्ट में लगानी है हमें इलास्टिक। तो 1/2 इंच का जो हमारा मार्जिन का निशान है उस पे निशान पे रखते हुए 3 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं इधर साइड, और 4.5 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं इधर साइड। तो इन निशान को दोनों को सीधा कर लेना है। 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट में। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं हाफ पैंट में लगा रही हूँ लाइनिंग, इस तरह से मैंने कट कर ली है बिल्कुल बैक पार्ट की साइज़ की, एंड फ्रंट पार्ट की साइज़ की। तो यहाँ पे इसको सेट करके अच्छे से रख लेना है दोनों पार्ट के। अब यहाँ पे मैंने इनको रख दिया है, एंड यहाँ पे इसके आसन जोड़ देने हैं, दोनों पार्ट के आसन जोड़ लेने हैं। तो मैंने इस दोनों के पार्ट के आसन जोड़ दिए हैं। सो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में मैं डाल रही हूँ चुन्नटे, मैंने चुन्नट का निशान लगा दिया है यहाँ पे। दोनों पार्ट के बिल्कुल बीच में लगाना है हमें ये निशान,
इस तरह से आधा आधा इंच की हमें ये यहाँ पे चुन्नट डालनी है, और 4.5 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है। इस तरह से पकड़ के आधा इंच की चुन्नट यहाँ पे डाल देनी है। सो मैंने यहाँ पे चुन्नट पे लगा दी है सिलाई अपनी। सो मैंने एक फैब्रिक लिया है पॉकेट बनाने के लिए, इसकी चौड़ाई है 14 इंच एंड लंबाई है इसकी 11 इंच। सो इसको रखना है जो हमारा फ्रंट पैनल है पेंट का, इस तरह से रखना है। राइट साइड पॉकेट लगा रही हूँ मैं ये, तो इस तरह से सेट करके रख देना है। देन इसकी पॉकेट की गहराई ले रही हूँ मैं यहाँ पे, 5 इंच पे निशान लगाया मैंने इस तरह से, एंड इस तरह लगाया मैंने 3.5 इंच पे निशान। अब इसकी कर देनी है गुलाई इस तरह से, और यहाँ पे जैसे जैसे निशान लगाया है इसी पे लगा लेनी है सिलाई। सो इसकी सिलाई भी लगा दी है। अब थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे कट कर लेना है इस कपड़े को, अंदर वाले कपड़े को, और यहाँ पे छोटे छोटे से लगा देने हैं कट इस तरह से। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, और यहाँ पे एक पैर वाली सिलाई लगानी है। सो ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब इस पॉकेट को इस तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से करना है, इसको अच्छे से सेट कर देना है, और यहाँ पे पिन लगा देनी है, फिर यहाँ पे कर देनी है सिलाई। ये हमारी पॉकेट हो चुकी है तैयार। सो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। देन यहाँ पे पैंट की अंदर की तरफ कर देनी है थोड़ी सी गुलाई, और जो इसका मार्जिन है अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। सो ये हमारी पॉकेट हो चुकी है बिल्कुल तैयार। सिलाई भी मैंने लगा दी है, जो इसका मार्जिन था वो पॉकेट की अंदर की तरफ फोल्ड किया है मैंने। एंड मैंने ये एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 5 इंच। सो मैंने इस पर पेस्टिंग चिपका ली है, एक तरफ रखा है मैंने इस पर इसका डबल कपड़ा, एंड एक तरफ रखा है मैंने 1.75 इंच कपड़ा। तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है इस तरह से, और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने जैसे फोल्ड करके बिल्कुल निशान लगा लिया है यहाँ पे, और आधा इंच का यहाँ पे मैंने कपड़ा छोड़ा है, ये दबेगा हमारा कपड़ा। सो यहाँ पे मैंने बेल्ट लिया है, और पैंट के उल्टी साइड रखना है इस बेल्ट को इस तरह से। दोनों साइड मैंने इसकी जो हमारी बेल्ट और पैंट की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है दोनों की, यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब इसको सीधी तरफ फोल्ड करना है हमें इस बेल्ट को, तो यहाँ पे इस तरह ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके और यहाँ पे सीधा सिलाई लगा देना है इस तरह से, फोल्ड करना है यहाँ पे, और फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देनी है यहाँ पे, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है यहाँ पे फिनिशिंग वाली। सो मैंने यहाँ पे सिलाई वगैरह सब लगा दी है। देन हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है, यहाँ पे हमारी पॉकेट वगैरह सब लग चुकी है। एंड मैंने इसमें बैक पार्ट में लगा दिया है इलास्टिक, नॉर्मली जैसे लोअर वगैरह में लगाते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे इलास्टिक इसमें लगा दी है। इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, तो अब इन दोनों पार्ट की साइड की सिलाइयाँ जोड़ देनी है दोनों। पहले ये अस्तर फोल्ड कर देना है दोनों पैंट पार्ट का, और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमें लगा देनी है सिलाई दोनों तरफ। तो यहाँ पे लगा लेनी है दोनों साइड की सिलाई, एंड इनके ऊपर वाली भी सिलाई लगा देनी फिनिशिंग वाली। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड की सिलाई लगा दी है अपनी, और एक पैर की सिलाई भी लगा दी है ऊपर की तरफ। सो मैंने यहाँ पे अपने निशान लगा लिए हैं, इसको उल्टा कर लिया है मैंने पैंट को। सो यहाँ पे मैंने 1.75 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बीच वाली सिलाई का निशान लगा लिया है। 6.5 इंच लगाया है मैंने यहाँ पे, दोनों पे लगा दिया है। एंड अब लगाना है लंबाई का निशान, 33 इंच लंबाई हमारी, आधा इंच का कपड़ा छोड़ा है मैंने मार्जिन के लिए। सो यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है इस तरह से। मैंने एक बोतल का ढक्कन लिया है, और इसके बिल्कुल साइज़ का मैंने एक यहाँ पे ये कटवर्क काट लिया है। इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करना है, और यहाँ पे सारे में इसी तरह से निशान लगा देने हैं। ये जो मैंने पट्टी ली है ये 2.5 इंच की, इसको बीच में इस तरह से फोल्ड करके ये निशान तब लगाने हैं। सारे में निशान लगा दिए मैंने पेन से यहाँ पे, एंड इसको बीच दोनों को इस तरह से जोड़ लेना है ताकि हमारे जो दोनों कटवर्क हैं वो बिल्कुल एक से कटें दोनों। तो यहाँ पे पिन लगा के अब इसको कट कर लेना है कैंची से। सो इसकी कर लेनी है कटिंग जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और ये हमारी दोनों बिल्कुल पट्टी हो चुकी हैं तैयार।
सो इसको मैंने कपड़े पे चिपका लिया है। एक साइड रखा है आधा इंच का कपड़ा, देन दूसरी साइड रखा है एक सवा इंच का कपड़ा। जिधर ज़्यादा कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसको ये मैंने पैंट का एक साइड लिया है तो इसको रखना है इस तरह से सीधी तरफ, और जैसे जैसे हमने ये कटवर्क कट किए हैं उसी तरह से बिल्कुल इसी पे सिलाई चला देनी है, बिल्कुल घुमा घुमा के जैसे जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया है। इसको अच्छे तरीके से बारीक सिलाई कर लेनी है बिल्कुल। सो इसी तरीके से सारे में सिलाई लगा देनी है। सो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको इस तरह से कट कर लेना है। और यहाँ पे छोटे छोटे से अब कट लगा देने हैं, सारे ध्यान से लगाने हैं ये कट ताकि हमारी सिलाई ना कट हो। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, सारे जितने अभी हमने कटवर्क कट किए हैं इस तरह से फोल्ड कर देना है। फ्रीज पे प्रेस करके अच्छे से इनको सेट कर लेना है। सो मैंने इसको प्रेस करके सेट कर दिया था। अब यहाँ पे सिलाई लगा देनी है बिल्कुल लास्ट में, डबल सिलाई लगानी है हमें यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। सो ये हो चुकी है हमारी पैंट का मोरी का डिज़ाइन तैयार। अब यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था बीच वाला वहाँ पे सिलाई लगा देनी है, सारे में सिलाई लगा देनी है डबल सिलाई करके। सो यहाँ पे दोनों आसन को एक दूसरे से मिलाते हुए लगा देनी है सिलाई सारे में। सो हमारी पैंट सिल के हो चुकी है बिल्कुल तैयार। तो कैसा लगा आपको मेरे बताने का तरीका? अगर बताने का तरीका थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो। सो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और एडिट करने में। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।